असम में संघ कार्य सब जिलों तक पहुंचाने वाले श्रीकांत शंकर राव जोशी जी का जन्म 21 दिसंबर 1936 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के ग्राम देवरुख में हुआ था। मुंबई में बीए की पढ़ाई के दौरान वह संघ के स्वयंसेवक बने। कुछ समय जीवन बीमा निगम में काम करने के बाद वर्ष 1960 में वे तत्कालीन प्रचारक शिवराय तेलंग जी की प्रेरणा से अपना घर छोड़कर संघ के प्रचारक निकल गए। सबसे पहले उन्हें श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्यस्थली नांदेड़ भेजा गया, जिसके 3 वर्ष बाद उन्हें असम में तेजपुर में विभाग प्रचारक बनाकर भेजा गया। इसके बाद वे लगातार 25 वर्ष तक असम में ही संघ कार्य करते रहे। कुछ समय बाद विवेकानंद शिला स्मारक के लिए धन संग्रह हुआ, जिसमें श्रीकांत जी ने बड़ी भूमिका निभाई। उनकी संगठन क्षमता को देखकर वर्ष 1971 में उन्हें असम का प्रांत प्रचारक बनाया गया। वर्ष 1987 तक वे इस दायित्व को संभालते रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने जहां एक ओर विद्या भारती के माध्यम से सैकड़ों विद्यालय खुलवाए, वहीं सभी प्रमुख स्थानों पर संघ कार्यालयों का भी निर्माण कराया। आज का पूरा पूर्वोत्तर उन दिनों असम प्रांत ही कहलाता था। वहां सैकड़ों जनजातियां उनकी अलग अलग भाषा, बोली और रीति रिवाजों के बीच समन्वय बनाना आसान नहीं था, पर श्रीकांत जी ने प्रमुख जनजातियों के नेताओं के साथ ही सब दलों के राजनेताओं से भी अच्छे संबंध बना लिए। वर्ष 1989 से 1985 तक असम में घुसपैठ के विरोध में भारी आंदोलन हुआ। आंदोलन के कई नेता बांग्लादेश से लुटपीट कर आए हिंदुओं तथा भारत के अन्य राज्यों से व्यापार या नौकरी के लिए आए लोगों के भी विरोधी थे, अर्थात क्षेत्रीयता का विचार राष्ट्रीयता पर हावी हो रहा था। ऐसे माहौल में श्रीकांत जी ने उन्हें समझा बुझा कर आंदोलन को भटकने से रोका। इस दौरान उनकी लिखी पुस्तक घुसपैठ एक निःशब्द आक्रमण भी बहुत चर्चित हुई। श्रीकांत जोशी वर्ष 1987 से 1996 तक तृतीय सरसंचालक पूज्य बाला साहब देवरस जी के निजी सचिव भी रहे। वर्ष 1996 से 1998 तक अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माधव गोविंद वैद्य के सहायक तथा फिर 2004 तक अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे। उन्होंने आपातकाल में सरकारी हस्तक्षेप के कारण मृत प्राय हो चुकी हिंदुस्तान समाचार संवाद समिति को पुनर्जीवित किया। वर्ष 2001 में जब उन्होंने यह बीड़ा उठाया तो संघ के बाहर इसे समर्थन नहीं मिला, पर श्रीकांत जी अपने संकल्प पर डटे रहे। आज हिंदुस्तान समाचार के कार्यालय सभी राज्यों में हैं। अन्य संस्थाएं केवल एक या दो भाषाओं में समाचार देती हैं, पर यह संस्था संस्कृत, सिंधी और नेपाली सहित भारत की प्रायः सभी भाषाओं में समाचार देती है। उनके अथक परिश्रम से इस संवाद समिति ने अपना विस्तार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमाने में सफलता पाई। श्रीकांत जोशी यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने भारतीय भाषाओं के पत्रकार तथा लेखकों के लिए भी कई पुरस्कारों की व्यवस्था कराई। इसके लिए उन्होंने देश भर में घूम कर धन जुटाया तथा कई न्यासों की स्थापना की। एक बार एक विदेशी सज्जन ने उन्हें सशर्त बड़ी राशि देने की पेशकश की। मीडिया का गिरता स्तर निरंतर उनकी चिंता के केंद्र में रहा, लेकिन 8 जनवरी वर्ष 2013 की सुबह मुंबई में हृदय गति रुकने के कारण श्रीकांत जोशी जी का निधन हो गया।